कश्मीर में होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव, देखकर विरोधी भी रह जाएंगे तंग। कश्मीर की मुस्लिम लड़कियां अब लगाएंगी चौके छक्के, भारतीय सेना ने कर ली तैयारी। जी हाँ, ये खबर जो आप सुन रहे हैं वो कश्मीर की ही है, उसी कश्मीर की जहाँ धारा 370 से पहले बेटियां तो क्या, बेटे भी घरों से निकलते नहीं थे। प्रतिभा लगातार दम तोड़ती जा रही थी, लेकिन जब से धारा 370 का खात्मा हुआ, कश्मीर में हर ओर बदलाव की बयार बह रही है। और आज ये तस्वीरें देखकर विरोधियों के तो होश उड़ जाएंगे। दरअसल भारतीय सेना ने स्थानीय अधिकारियों के साथ एक नई शुरुआत की। कश्मीर में महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है, जो आज से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगा। इस लीग में इलाके के अलग अलग जिलों से आने वाली 12 टीमें 8 दिनों के दौरान एक दूसरे से भिड़ेंगी। हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया जाएगा, विजेताओं को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार भी मिलेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरह से कश्मीरी लड़कियां अब हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जैसा आपने देखा है अभी यहाँ पे, हम जो जानते हैं कि हमारा जो यूथ जो सामने आ रहा है और हम पॉजिटिवली इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, ना केवल बॉयज बल्कि गर्ल्स भी आगे आ रही है। और मुझे ये देख के बहुत खुशी है कि 12 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। मतलब मैं इसकी खुशी को जाहिर नहीं कर सकता वर्ड्स में, कि जब मैं देखता हूं कि न केवल बॉयज बल्कि हमारी जो बच्चियां हैं वो आगे आ रही है और दिखा रही है। और ये सब रोल मॉडल होंगे जब ये अपने वापस गांव में डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। और जैसे मैंने अभी कहा कि हार जीत किसी की भी हो, लेकिन मेरे लिए तो सारे आज जीत गए हैं। और इनको देख के आपके माध्यम से बाकी सबको भी बताना चाहूंगा कि आप भी इस तरह से और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग अभी तक इस साल पार्टिसिपेट कर चुके हैं और ऑफिशियली खेल में हिस्सा ले चुके हैं। आज आप देख रहे हैं कि चाहे क्रिकेट तो एक स्पोर्ट्स है जिसके माध्यम से ना केवल फिजिकली फिट होते हैं बच्चे, इवन रात को आप पोलो भी मार्केट में भी क्रिकेट खेलते देख सकते हैं, लाल चौक में भी देख सकते हैं। और इनफैक्ट आपके माध्यम से आप इसको इतना प्रचार प्रसार करिए ताकि लोग इसकी तरफ और अट्रैक्ट हो। ये केवल क्रिकेट तो एक गेम है, मैं तो कह रहा हूँ हॉकी भी हो, फुटबॉल भी हो, हर एक गेम में कोई भी गेम चुन लीजिए, लेकिन जरूर से चुनिए। ना केवल गेम से आपको फिजिकली फिट होते हो, एक डिसिप्लिन आपको आता है, एक पॉजिटिव कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आती है, और उसे एजुकेशन में एक्सेल आप करें बट स्पोर्ट्स में भी जरूर करें। वहीं इस आयोजन में भाग ले रही प्रतिभागियों ने भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया और बताया कि कितनी खुशी हो रही है उन्हें बदलाव देखकर। जी सर, सर ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है लड़कियों के लिए, जबकि बहुत सारी लड़कियां नहीं आती इन टूर्नामेंट्स में, जबकि आना चाहिए, उनके उनके पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े, तो ताकि वो अपने जो ये है वो भी खेले। जो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं उनको चाहिए कि वो अपनी बेटियों को, खास तौर पर बेटियों को सपोर्ट करें। चाहिए किस तरह की टूर्नामेंट ज्यादा ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि ज्यादा पार्टिसिपेशन। जी यहाँ पे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए बहुत सारे, जैसे कि बाहर होते हैं, जैसे कि लड़कियों को बाहर प्लेटफॉर्म मिलता है खेलने के लिए, उस तरीके से यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ कभी कभी ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जो कि होने चाहिए। यूसुफ, यहाँ ये जो फीमेल टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है कितना अच्छा फील कर रही है, लड़कियों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है जैसे बाकी गेम्स हैं क्रिकेट में भी दिखाने के लिए। बहुत सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं इन लोगों का, जिन लोगों ने हमें ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिसे कि हम अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कश्मीर में बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स और हो जिसे हम अपना टैलेंट, जिसे बहुत सारी लड़के इंस्पायर हो सकें। इसमें ये भी होता है पढ़ाई के साथ साथ जो है फिजिकल एक्टिविटीज भी एक लड़की के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, फिटनेस रहती है लड़की की, बीमार नहीं पड़ती है ज्यादा, हेल्थ ठीक रहती है, तो इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गर्ल। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं माशाल्लाह। जी बहुत ही अच्छा फील्ड है, पहली बार हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है कि लड़कियां खेल रही है इस चीज को, क्योंकि पहले देखने में जाता था कि लड़के ज्यादातर खेलते थे, बट अब लड़कियां भी है इस चीज में इन्वॉल्व हो रही है, तो अच्छी बात है। और इंसान इस चीज से बुरी कामों से भी दूर रहता है, और देखा जाए तो हमारे भाई आजकल ड्रग्स के भी पीछे, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाए तो उस चीज से भी दूर रहते हैं। अच्छे और भी टूर्नामेंट्स हो, मतलब हम चाहते हैं इससे भी बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स हो। क्या इस तरह के टूर्नामेंट से क्या फीमेल क्रिकेट प्रमोट हो सकता है? जी जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बस इस फील्ड को आगे बढ़ाना है और ऐसे ही आगे आगे चलते जाना है। कितना अच्छा पार्टिसिपेशन है, काफी सारी जगहों से आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, काफी सारी जगहों से, काफी सारी लड़कियां भी आई है, तो हम भी आए अनंतनाग से ही, तो जीत के ही जाना है इंशाल्लाह।
जहाँ तक फीमेल्स की बात करें, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि अभी तक होते रहते हैं लेकिन वो बड़े छोटे पैमाने पे होते रहते हैं, और इतनी हाई पे इतना अच्छा जान पे इंफ्रास्ट्रक्चर इनको दिया गया हो, इतनी अकोमोडेशन दी गई हो, खाना पीना यूनिफॉर्म सब इनका वहीं से स्पॉन्सर हो रहा है, तो ऐसी एक्टिविटीज बहुत कम हो रही है और दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। देखिए अगर हम बात करें टैलेंट की, कश्मीर में बिल्कुल भी कमी नहीं है, चाहे वो लड़कों की बात करें या लड़कियों की बात करें। अब होता यह है लड़कियों को चांसेस बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर ऐसी चीजें और रेगुलर हो जाए और एक दो टूर्नामेंट्स और इन हो जाए, तो मतलब हमारी जो कश्मीर की टीम है पूरे J&K की बात करें तो बहुत अच्छी टीम बन सकती है और बहुत आगे जा सकती है। तो सुना आपने, ये लड़कियां बोल रही हैं कि पहले कश्मीर में लड़कियों को ऐसे मौके नहीं मिलते थे, और आज जो कुछ हो रहा है इसे ही तो बदलाव कहते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बदल गया है कश्मीर, और आने वाले वक्त में ये विकास ये बदलाव बढ़ेगा ही, इसकी गारंटी वहाँ की जनता खुद दे रही है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।